हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि पूरा डिटेल में, अच्छे से ब्रीफ में सारी चीज़ें आपको कंटेंट कवर करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फ्यूल्स के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से बता दिया था मैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि फ्यूल होते कौन है, उनके प्रिंसिपल 14 कहाँ से आए, उनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या नाम दिया जाता है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने ये बताया कि उसके 14 प्रिंसिपल फ्यूल के जो हमारे पास सामने दिए ये हम लोगों ने देखा। उसमें से हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, 7 पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पढ़ने डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे और स्केलर चेन पढ़ेंगे, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने फिर डिवीजन पढ़ा, अथॉरिटी पढ़ा, डिसिप्लिन पढ़ी, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ी थी, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट पढ़ा, रेमुनरेशन पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश ये करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो चीज़ सेंटर में रखी हो, हर चीज़ कंपनी का या फर्म का कोई भी चीज़ अगर कभी भी मैनेज हो रहा है, अगर वो सेंटर से हो रहा है, सेंटर मतलब क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने लोग बैठते हैं उसको सेंटर ऑफ फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम सेंटर ऑफ फर्म बोलते हैं। कहने का मतलब कि आप समझिए, यहाँ पे आपको आ जाएगा। चलो देखिए, जैसे मैंने बोला कि कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये टॉप है, फिर मैंने कहा ये मिडिल है और एक होता है लोअर। तो पहले तीनों के फायदे और नुकसान आप ये समझना सबसे पहले, कि पहली बात तो आप जाना, लोअर जो होता है वो हमारा सबॉर्डिनेट्स का होता है, जहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा काम उनको इफेक्टिव करना होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट तो सबको काम करना होता है, लेकिन कोशिश हमेशा ये रहती है कि उस काम के लिए अनसरेबल होते हैं। अगर इनका काम समय पर नहीं हुआ तो इनको जवाब देना होता है, तो इनको जवाब किसको देना होता है, तो आप बोलेंगे इनको जवाब देना होता है मिडिल लेवल को। सेम उसी प्रकार मिडिल लेवल में जैसे मैनेजर होते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, इनको अपना पॉलिसी हो गया, प्लान हो गया, ये सब चीज किसको बताती है, बताती है मिडिल मैन को। तो मिडिल मैन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, समझिएगा कि ये अगर कोई भी प्लानिंग बनाते हैं, कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये इनको हैंड ओवर कर देते हैं, इनके हिसाब से काम कराते हैं अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से। तो आप बोलेंगे यू अनसरेबल इनके हो गए, तो आप बोलेंगे जो मिडिल लेवल है अगर काम समय पर नहीं करा पाया तो ये भी अनसरेबल हो जाएगा। किसका, तो आप बोलेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, चलो, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या किसी का अनसरेबल होता है, क्या आप बोलेंगे नहीं, ये तो फ्रेमवर्क है, ये कंपनी के तो ओनर होते हैं, ठीक है, ओनर्स होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता, ये आपके रेस्पॉन्सिबल किसी को नहीं हो सकते, इनको थोड़ा मिडिल लेवल को या लोअर लेवल को जवाब देना है, कभी नहीं देना। काम आप इनसे करा रहे हो, जवाब थोड़ी ना देंगे। अगर कोई मालिक है तो अपने जूनियर को जवाब क्यों देगा, नहीं देगा। चलो, तो कहने का मतलब मेरा यहां यह है कि इनको जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेंटर ऑफ फर्म। सेंटर ऑफ फर्म ही क्या करती है, हर चीज डिसाइड करती है, हर चीज डिसाइड करती है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो कौन सा एक्शन लेना है, लॉस में जा रहा है तो कौन सा एक्शन लेना है, शेयर होल्डर को कंपनी में इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, इन्वेस्टर को कंपनी में इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, मतलब हर टाइप के जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो हमेशा आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। कौन लेते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग लेते हैं। फिर ये समझ में आया हमको यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने कहा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, समझिएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही सेंट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है, आप समझिएगा यहाँ पे। चलो, इसी को सेंट्रलाइजेशन क्यों बोला जाता है, तो देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सारे पावर होते हैं। सारे पावर का मतलब होता है कि सारी अथॉरिटी उनके पास होती है कंपनी के या फर्म को डिसीजन लेने के लिए। कंपनी या फर्म के डिसीजन लेने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हर चीज डिसीजन होता है, हर तरह का डिसीजन होता है। कैसे, चाहे वो बजट से लेकर हो, चाहे कंपनी को किसी ग्रोथ को लेकर हो, ठीक है, या कंपनी को कोई प्लानिंग करनी हो, हर चीज राइट या हर अथॉरिटी किनके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। तो मैंने बोला टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन बैठते हैं, तो आप बोलोगे चेयरमैन बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, ठीक है,
डायरेक्टर बैठते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके वहाँ पे बैठेंगे, मतलब मेन मेन जो कंट्रोलर होते हैं फर्म के मेन मेन जो कंट्रोलर होते हैं, मेन हेड जो होते हैं, वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बैठते हैं। तो जो सारी पावर होती है फर्म की, वो कहाँ पे मानी जाती है मेन पावर? तो मेन सारी पावर जो आपकी मानी जाती है, वो मानी जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। इसी वजह से टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन किस चीज का? तो आप बोलेंगे अथॉरिटी। ऐसा अथॉरिटी जो कंपनी के हमेशा बेनिफिट के लिए सोचते हैं, अपना फायदा वहां नहीं देखा जाता। अगर वो अपना देखेंगे तो कंपनी कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उनको वहां पे खड़े होकर क्या करना पड़ेगा? पूरे फर्म के बारे में सोचना होता है। इसलिए जो पावर होती है वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही हमेशा सारी पावर रहती है? तो आप बोलेंगे नहीं। कंपनी अगर एक्सपैंड करना है, बहुत बड़ा करना है, तो जिम्मेदारी बढ़ती है, वर्कलोड बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे उस समय सेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी है कि नहीं होना है? आइए समझते हैं उस चीज को। देखिए तो सेंट्रलाइजेशन तो आप समझ गए कि किसी एक के हाथ में अगर पावर है तो उसी को बोलते हैं सेंटर। जैसे हमारे घर में माता पिता जो होते हैं या पिताजी हमारे जो होते हैं घर के, उनको बोला जाता है सेंटर ऑफ हाउस। सारा पावर उनके पास होता है। कोई भी निर्णय लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो पिताजी हमारे लेते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कभी कभी अगर पिताजी पे कोई चीज बर्डन अगर आ जाए, उनको कहीं जाना पड़ जाए, तो उनको ये लगेगा कि यार पावर किसी और को भी देना चाहिए। तो पापा जो होते हो फिर पावर मम्मी को डिस्ट्रीब्यूट करके जाते हो। मान लो मम्मी को भी कहीं जाना हो गया है तो फिर बड़े भाई को डिस्ट्रीब्यूट करके जाएंगी। तो उस समय एक नाम निकलता है वहां से, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन के बाद डिसेंट्रलाइजेशन बनने का वजह क्या है? तो आप बोलेंगे वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, वर्कलोड ज्यादा हो जाए, ठीक है। कंपनी में अगर काम मान लो बहुत ज्यादा वर्क फोर्स अगर कराना हो तो हमें और इम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। फिर आप बोलोगे कि अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बना पा रहे हो, अब एक ही बंदा कितने से कोऑर्डिनेट कर पाएगा? कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं कराएगा तो कंपनी का ग्रोथ रुकना तय है, कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा, कंपनी का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा और बढ़ नहीं पाएगी। कंपनी का ना तो डेवलपमेंट होगा और ना ही इम्प्लॉयज का पर्सनल डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। अगर सब चीजें नहीं हो पाई या हो पा रही हैं, तो आप बताओ इन सब को हटाने के लिए, इन सब को हटाने के लिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का वजह क्या है? तो आप समझिएगा, सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट तो नहीं कर सकता है, सारा काम तो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो इसने अपना पावर किसको बांटा? मिडिल लेवल को। और फिर मिडिल लेवल भी सारा काम नहीं कर पाएगा, तो उसने अपना पावर किसको बांट दिया? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो कहने का मतलब, पावर जब पहले किसी एक के हाथ में थी, तो आपने कहा उस सिचुएशन को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जैसे यहां पे वर्कलोड बढ़ा, बर्डन हुआ, तो पता ये चला कि भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, अब पावर तो बांटनी ही पड़ेगी। जिम्मेदारी नहीं बांटोगे तो काम समय पे नहीं होगा, सारा काम हम नहीं कर सकते, किसी दूसरे से कराने के लिए हमको उसको पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो हमने मिडिल लेवल को क्या किया ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, पावर उसको हैंड ओवर कर दिया। पूरी कंपनी का पावर नहीं दिया, सारा मेन पावर तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, लेकिन उस काम को कराने के लिए हमने कुछ पावर किसको दे दिया है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर दिया। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर भी अगर मान लो बर्डन बढ़ता है, काम का लोड बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, तो उस वक्त क्या करेगा वो? पावर अपना किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। आप बोलोगे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे तो सबॉर्डिनेट्स होते हैं काम करने वाले, सबॉर्डिनेट्स होते हैं। मैंने कहा हाँ होते हैं, लेकिन वहां पे भी सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर वो होते हैं जो कंपनी पे निगरानी रखते हैं, कंपनी पे काम करते हैं, या कंपनी में कर रहे वर्कर जितने भी होते हैं जो काम करते हैं उन पर क्या करता है? निगरानी रखता है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को पावर नहीं दोगे तो अपने ही लेवल के लोगों के ऊपर कैसे वो, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कैसे वो निगरानी रखेगा? सेम लेवल का है तो उसको एडिशनल पावर दी जाती है कि आपको इनको देखना है, आपको इनको क्या करना है? देखना है। जैसे यूनियन लीडर आप सुने होंगे, यूनियन लीडर रहता तो वो भी वर्कर ही है, वर्कर ही है, लेकिन जैसे यूनियन लीडर बनता है उसके पास एडिशनल पावर हो जाती है, एडिशनल पावर हो जाती है, रहता तो सेम लेवल का ही है वो, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी है, वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन भी होना जरूरी है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करोगे तो आपकी कंपनी छोटी रहेगी, वो कंपनी कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह कि डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन कब? जब काम का वर्कलोड ज्यादा बढ़ने लग जाए तो, कोऑर्डिनेशन कम होने लग जाए तो। तो ज्यादा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं, वर्कलोड जो हमारा ज्यादा हुआ है, बर्डन ज्यादा हुआ, उसको हम कम कर लेते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हमने क्या पढ़ा यहाँ पे। मैंने आपको बताया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब इमेज देखो समझ में आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब ये चीजें हैं जहां किसी एक मतलब हाथ से पावर से निकलती है, मतलब सेंटर से निकल रही पावर एक जगह से, उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये जो इंडिविजुअल सुना, ये सेंटर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके बैठने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे 7 लोग हैं। तो इनके पास जो पावर है वो सेंट्रलाइजेशन वाली पावर। लेकिन जब ये भी अपना पावर किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए इंडिविजुअली कि भाई हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है, हम अपना पावर किसी और देंगे, अगर ये भी अपना पावर इंडिविजुअली किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए, तो आप समझ जाना वो क्या हो चुका है, वो डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे इसने किसी एक को पावर दिया, अब इसका वर्कलोड ज्यादा बढ़ा, इसने अपना पावर किसी और को देना चालू कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है।